हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीवाने ईएसई एंड गेट। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर प्रोडक्शन कंप्लीट करवाइए, तो ये उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम जो नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है इसमें हम मशीनिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप PSU या कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, PSU, गेट, तो इस प्रोडक्शन में, पूरे प्रोडक्शन में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा MCQs बनते हैं। ठीक है, MCQs प्लस न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा, ठीक है, बाकी से भी बनते हैं लेकिन इससे बहुत लॉजिकल, सिंपल, डिफ़िकल्ट हर टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो आने के चांसेस मैक्सिमम इसी में होते हैं, इससे, इस टॉपिक से होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मशीनिंग टूल में जो सारे टॉपिक्स हैं उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, देन टर्निंग है, ब्रोचिंग है, शेपिंग है, प्लेनर एंड मशीनिंग, प्लेनर मशीनिंग है, मिलिंग है, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, जिग्स एंड फिक्चर्स, जिसमें मेनली जो मिलिंग है, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक है। साथ में टर्निंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बाकी इसमें शेपिंग एंड जो ये है इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, बच गया ब्रोचिंग, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इससे बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में मैंने, अगर आप मेरा प्रोडक्शन का लेक्चर देखेंगे जो मैंने पहले लिया था मशीनिंग का, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है कि सारे एंगल्स का इफेक्ट क्या होता है। तो अगर आप एक बार उसके थ्रू गो थ्रू कर लीजिए, और अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रही है ढूंढने में तो ज़्यादा कुछ नहीं, यूट्यूब के ऊपर आप यूट्यूब पे सबसे पहले आप दीवाने ईएसई एंड गेट टाइप कीजिए, उसके अंदर दीवाने ईएसई एंड गेट में चंदन शर्मा का लेक्चर है। ठीक है, चंदन कुमार या चंदन शर्मा, ठीक है, उसके अंदर आप देख लेंगे तो एक दो दो सीरीज़ है मेरी, एक मशीनिंग की है और दूसरी मेट्रोलॉजी की। ठीक है, तो ये जो मशीनिंग मैंने पढ़ाई है काफ़ी अच्छे ढंग से, बेसिक से लेकर डेप्थ तक पढ़ाई है, और आपको, मुझे नहीं लग, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो काफ़ी कम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो आपको खुद एफर्ट डालना पड़ेगा, पर बेसिक्स इंक्लूडेड है। मेट्रोलॉजी मैंने कवर अप किया है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, PSU पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस हैं, वो सब पढ़ने के लिए मैं आपको बोलूँगा, मैं एक लेक्चर डाल दूँगा इसके बाद जब हमारा मशीनिंग टूल ख़त्म होगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए गेट के, और उसके अंदर मेट्रोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट से। ठीक है, तो जो गेट का लेवल अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आप ESC मतलब बाकी PSUs का लेवल सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जिसको इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है नेक्स्ट टाइम, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में डाल दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस आप फॉलो करते रहिए। तो आज जो हम टॉपिक लेंगे वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेंगे। ठीक है, तो ये पहले से मैंने ड्राइंग बना के रखी है, क्योंकि फिर बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो होता है ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, इसके अंदर एक शैंक पोर्शन होता है जिसको हम होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड फ्लैंक। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे जो फिगर्स होते हैं, आपने काम भी किया होगा, हमारा मतलब एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी होता है हमारे फोर्थ ईयर में, थर्ड या फोर्थ ईयर में, तो सबने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो देखा ही होगा अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो तो। ठीक है, तो इसके अंदर जो, मैं सिर्फ एक ही एंगल के बारे में बात करूँगा जो कि हमें अभी रिक्वायर है। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक डायग्राम किसी बंदे ने देखा है तो ये होता है, राइट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। ठीक है, जिसमें ये हमारा शैंक पोर्शन हो गया, शैंक पोर्शन हो गया, ये जो होता है हमारा, ये लिप एंगल होता है। ठीक है, ये हमारा रेक एंगल होता है, अगर बैक रेक एंगल, ठीक है, बैक रेक एंगल, और जो ये है मेरा, ये मेरा एंड रिलीफ एंगल होता है। ठीक है, अगर आपको सारे एंगल के बारे में पता करना है तो आप एक और वीडियो पक्का देखिएगा जो मैंने आपको बताया कि मैंने डाला है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी लिंक भी डाल दूंगा, तो आपको ढूंढने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है ये साइड व्यू है। ठीक है, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो मेनली चीज़ है, अगर मैं कटिंग टूल के हिसाब से देखूँ, ठीक है, अगर मैं टूल मटेरियल वगैरह के हिसाब से देखूँ तो वो फिर आप मशीनिंग में देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम सिर्फ टूल की बात करें, यहाँ पर कटिंग कैसे ईजी बनाए तो उसके लिए बात करें। तो यहाँ पर जो मेनली एंगल है वो बैकरेक एंगल है हमारा जो रिक्वायर है। ठीक है, और बैकरेक एंगल, तो
सबसे पहले बैकरेक एंगल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो जस्ट सॉरी, जो बैकरेक एंगल है इसका फ़ायदा क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, देखिए जो बैकरेक एंगल है ये जो है, ये एंगल, ये चिप फ्लो को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब चिप फ्लो को इफेक्ट करता है, अगर बैकरेक एंगल में इंक्रीज करता हूँ तो जो मेरा चिप फ्लो है वो इजी होता है। ठीक है, इजी होगा तो चिप फ्लो, अगर इजी होगा तो इजी मतलब कि ईजिली चला जा रहा है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, टेम्परेचर जो राइज है, जो टेम्परेचर राइज है वो कम होगा। ठीक है, जिसके कारण मेरी टूल लाइफ इंक्रीज होगी। ठीक है, इनिशियली। लेकिन अब देखिए, एक मैं डायग्राम इसका फिर से बनाता हूँ। एक मेरा ये है, और एक ऐसा है जो मैंने बहुत स्टीप बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो, इसको मैं अल्फ़ा बी वन बोलता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा बी टू बोलता हूँ। अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा बी वन इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा बी टू, तो ऊपर के हिसाब से अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूँ तो मेरी टूल लाइफ इंक्रीज़ होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ठीक है चिप फ्लो ईजी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लिप है ये थिन हो गया है। अब थिन होने के कारण क्या है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात आती है, स्ट्रेंथ जो है कम हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम बैकरेक एंगल बिल्कुल कम ही कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर जब आप टूल लाइफ के साथ इसका ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, टूल लाइफ के साथ जब इसका आप ग्राफ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टूल लाइफ के साथ अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ बैकरेक एंगल का, तो इसका जो बनता है कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो हम जनरली इस रेंज में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो रेंज होती है ये होती है 10 to 15 degrees। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये ऑप्टिमम रेंज मानते हैं, तो इसलिए हम इसको देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बैकरेक एंगल के बारे में। अब जो बैकरेक एंगल है, अब ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे ही फॉलो करें, ये तो हम एक हो गया कि एक बैकरेक एंगल होता क्या है, लेकिन बैकरेक एंगल भी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, एंड थर्ड होता है ज़ीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव बैकरेक एंगल कब यूज़ करूँगा, नेगेटिव कब यूज़ करूँगा और ज़ीरो कब यूज़ करूँगा। ठीक है, अब पॉजिटिव बैकरेक एंगल मतलब, पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ये जो हम बनाते हैं ये पॉजिटिव बैकरेक एंगल है। ठीक है, नेगेटिव हो गया ये और ज़ीरो हो गया ये मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो ये एंगल है इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ पर ये एंगल है अल्फ़ा भी, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, यहाँ पर तो अल्फ़ा भी ज़ीरो है ही। ठीक है, तो पॉजिटिव हम जब यूज़ करेंगे जब सॉफ्ट एंड डक्टाइल वर्क पीस है, तो उसके टाइम पे हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव बैकरेक एंगल। क्यों? क्योंकि जो ये मशीनेबिलिटी है, मशीनेबिलिटी उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर सॉफ्ट वर्क पीस है, ठीक है, सॉफ्ट वर्क पीस है और साथ में वो डक्टाइल है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो चिप का फॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, चिप फ्लो की बात करेंगे, चिप फ्लो का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा। चिप फ्लो का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा, तो मैंने पहले बताया था कि जो बैकरेक एंगल अगर हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं चिप फ्लो ईजी होता है, तो अब चिप फ्लो ज़्यादा हो रहा है, उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब मैं हार्ड बोलूँ, जब मैं नेगेटिव में आता हूँ, जब मैं हार्ड बोलूँ, हार्ड वर्क पीस है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसका सरफेस हार्ड है, तो वहाँ पर चिफ्लो ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल होता है हम बहुत धीरे धीरे करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक साथ आप ज़्यादा मटेरियल रिमूव करने जाएंगे तो आपका जो टूल है वो ख़राब हो जाएगा, उसके जो टिप होते हैं वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, आपका टूल डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए हम वहाँ पर बहुत धीरे धीरे चिप रिमूवल या मटेरियल रिमूवल करते हैं,
तो वहाँ पर इसलिए हम चिप रिमूवल का जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाता है, वहाँ पर सिग्निफिकेंस किसका बढ़ेगा, वहाँ पर स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस बढ़ गया तो वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव बैक रेक एंगल देते हैं, तो ये आ जाता है। पर जब इसके बीच में जो मीडियम वर्क पीस है, मीडियम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सॉफ्ट एंड डक्टाइल, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ज़ीरो बैक रेक एंगल। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ज़ीरो बैक रेक एंगल के जहाँ पर ब्रास ब्रॉन्ज जहाँ पर भी है, ये होते हैं हमारे मीडियम वर्क पीस, वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, कौन सा, ज़ीरो बैक रेक एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू, ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाई है, लिंक में एक बार आप फिर से देख सकते हैं, और साथ में ये जो मैंने पढ़ाया वहाँ पर भी ऐसा ही है, तो मेरे ख्याल से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी में, इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे कि क्या होता है कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो अगर जैसे आप टॉप व्यू देखते हैं, जैसे वो हमने साइड व्यू बताया था, अगर मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो टॉप व्यू कुछ इस टाइप का होता है, देखिए ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। जिसमें ये जो एंगल है ये होता है आपका साइड कटिंग एज एंगल, ये जो एंगल है एंड कटिंग एज एंगल। और यहाँ पर इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है, क्यों, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, जो कटिंग होती है जनरली, ठीक है, अगर मेरा ये वर्क पीस है, अगर हम वर्क पीस अब जब भी बनाएंगे तो कुछ टर्निंग का एग्जांपल लेके बनाते हैं, ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है, कुछ तो सिलेंड्रिकल मैं कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा टूल है वो कुछ ऐसे आएगा, ओके। अब देखिएगा इसको थोड़ा हम जूम करते हैं एंगल शो आउट करने के लिए, बस और कुछ नहीं, फिर बाद में मैं इसको जूम इन कर दूंगा, ये मेरा हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर नेमिंग देख लीजिए, ये बी है, ये बी डैश, ये है ए डैश, ओके। तो यहाँ से जो डेप्थ ऑफ कट की अगर मैं बात करता हूँ, डेप्थ ऑफ कट की, ठीक है, तो जो डी है वो है मेरा ए डैश बी डैश, ये मेरा हो गया चिप थिकनेस आएगा, ठीक है, जो डेप्थ ऑफ कट है, और जो ए डैश बी है, देखिए ए डैश बी डैश और ए डैश बी अलग अलग है, ठीक है, ये मेरा विड्थ ऑफ चिप की बात करता है, ओके। तो जब मैं ये लिख सकता हूँ, कॉस साई एस इक्वल्स टू डी वाई डब्ल्यू, तो इन दोनों में रिलेशन आ गया, एक बढ़ेगा कॉस, देखिए अगर मैं डब्ल्यू बढ़ाऊँगा तो, और कॉस सिग्मा एस को मेरे को कंट्रोल रखना है तो वो डी भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये होता नहीं है जनरली। जब मैं इसी रिलेशन से अगर मैं देखूँ, इसी रिलेशन से जो मैंने आपको शो किया है, अगर मैं साई एस को इनक्रीज़ करता हूँ तो मेरा कॉस साई एस डिक्रीज़ होगा, जिससे मेरा डी डिक्रीज़ होगा, मतलब थिनर चिप आएंगे मेरे, ठीक है, और मेरा W इंक्रीज होगा। तो अब देखिए अगर मेरा चिप, एक चिप मान लीजिए मेरा ये है, एक चिप मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है, यहाँ का जो साइज है ये यहाँ के साइज से कम होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं वन बोलूं, इसको टू बोलूं, तो सरफेस एरिया ऑफ वन इज़ लेस देन टू, देयरफॉर
हीट ट्रांसफर कैपेसिटी या टेंडेंसी ऑफ वन इज लेस देन टू, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हीट ट्रांसफर ज़्यादा किस में होगा? हीट ट्रांसफर, ये चिप है, ठीक है, ये दोनों चिप हैं, देयरफॉर हीट ट्रांसफर इज मोर इन चिप टू, देयरफॉर सॉरी इन केस टू हीट ट्रांसफर इन टूल इज लेस इन कंपेयर टू केस वन, राइट। तो अगर टूल में हीट ट्रांसफर जितना कम होगा, टूल टेम्परेचर उतना कम बढ़ेगा और टूल लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैं जितना ज़्यादा सिग्मा एस बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्मा एस मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या मेरी टूल लाइफ बहुत बढ़ जाएगी? देखो, यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। टूल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, सिग्मा एस आप एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दिक्कत क्या आती है, उसके बाद चैटर आ जाते हैं, ठीक है, जो एक होता है मार्क्स आते हैं, चैटर मार्क्स क्यों आते हैं? देखिए, जब इस केस में क्या होगा, अगर मैं रिजोल्यूशन करूं तो ये मान लीजिए एक फोर्स है जो कि नॉर्मल लग रहा है, तो इसका ये एफ वाई हो गया, ये एफ एक्स हो गया। जैसे जैसे सिग्मा एस बढ़ेगा, एफ वाई भी बढ़ेगा। होता क्या है कि आप मान लीजिए सिग्मा एस को आप ज़ीरो कर दें, ठीक है, तो एफ़ इक्वल्स टू, तब एफ इक्वल्स टू एफ वाई हो जाएगा, ठीक है, व्हेन सिग्मा एस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में आ रहा है वो टूल को पुश करने की कोशिश करेगा। तो टूल एक टाइम पे थोड़ा सा, अगर फोर्स आप जितने से आपने फोर्स को पुश कर रखा है उससे ज़्यादा अगर वो फोर्स, मतलब वो जो फोर्स है जिससे आप टूल को पुश कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिएक्टिव फोर्स आ रहा है, तो टूल थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, जो टूल एंड वर्कपीस का कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वापस से जैसे ही कांटेक्ट ख़त्म होगा तो रिएक्टिव फोर्स जीरो हो गया, तो वापस आपका फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वापस आप जाएगा। तो ये रिपीटेटिव प्रोसेस होता है जिसके कारण ऐसे, जो एक तरीके से आप देखेंगे जो टूल है वो वर्कपीस को मार रहा हैमर कर रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक चैटर मार्क्स आ जाते हैं, जो टूल, जो आपका कटिंग एज है उसके बिल्कुल लाइन लाइन से मार्क्स आ जाएंगे, जो कि फिनिशिंग हम नहीं चाहते हैं ऑफकोर्स, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी एक इसलिए ग्राफ है जो कि आपको याद रखना चाहिए, सेम है जैसा हमने लास्ट ग्राफ देखा था, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, पर इसका जो रेंज है वो 15 to 13 डिग्री है, वहाँ पर 10 to 15 डिग्री था, 15 to 13 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हम सिग्मा एस ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, हम बैकरेक एंगल ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैंने बात की थी कि अब इसके बाद जो एक थर्ड टॉपिक आता है इसी में, मशीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, कि इसमें पैरामीटर्स क्या हैं, तो आइए हम बात करते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, तो ये आप कोरिलेट कब करेंगे, जब मैं टर्निंग पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं मिलिंग पढ़ाऊंगा, तो ये सब चीज़ें आप कोरिलेट करेंगे, तो ये आपको बेसिक